दोस्तों नमस्कार एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम बौद्ध संगीतियाँ जो आपके एग्जाम में पूछी ही जाती हैं उसकी चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं तो टॉपिक का नाम क्या है बौद्ध संगीतियाँ टॉपिक का नाम क्या है बौद्ध संगीतियाँ तो हम क्या समझने वाले हैं आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा बौद्ध संगीतियाँ तो हम बौद्ध तो संगीतियों को क्या करने वाले हैं समझने वाले हैं तो आइए सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं बौद्ध संगीत यहाँ तो कौन कौन सी हैं कितनी बौद्ध संगीति हुई तो टोटल कितनी चार बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है सबसे पहले चार बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ तो इसमें पहली दूसरी तीसरी चौथी तो पहले ये वाला ये ध्यान रखिएगा चार सौ तिरासी इससे 100 कम कर दो तो तीन सौ तिरासी ये बी सी यहाँ भी चल रहा बी सी यहाँ भी चल रहा और 250 सौ पचास बी सी यहाँ चल रहा और ये पहली शताब्दी का मतलब हुआ एक ए डी से शुरू हो जाएगा एक से लेकर यानी एक ए डी ईसवी आ चुका है तो ये चार बौद्ध संगीति का आयोजन कब कब हुआ तो चार सौ तिरासी बी सी यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय क्या कहलाता है बिफोर क्राइस्ट बी सी कहा जाता है तो चार सौ तिरासी बी सी सौ कम करेंगे सौ साल बाद तीन सौ तिरासी बी सी फिर दो सौ पचास बी सी और लास्ट वाली प्रथम शताब्दी अब जगह पूछे तो आर वी पी के कौन पी के आर वी पी के तो इसका आप क्या ये कोड याद रखोगे आर वी पी के आर से क्या पहली बहुसंगीति पूछी जाए तो राजगृह में हुई दूसरी पूछी जाए तो वैशाली में हुई तीसरी पूछी जाए पाटलपुत्र में हुई और चौथी पूछी जाए तो कुंडल वन कश्मीर में होती है अध्यक्षता किसने किया तो जो महान व्यक्ति होता है उसको को सबसे पहले मौका दिया जाता तो सबसे पहले मौका इसमें किसको दिया गया जो सबसे था महान और सबसे महान का मतलब हुआ महाकश्यप सबसे पहले महाकश्यप सबसे पहले महाकश्यप को दिया गया तो महाकश्यप को सबसे पहले उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे कौन आते सबकामी और साव कामी के बाद तीसरे नंबर पे अध्यक्षता कौन करते हैं तो यहाँ तीसरे से तिश तीस उठा लीजिए तो मोगल पुत्र तिश्य मंगल पुत्र तिश्य और ये अगला अध्यक्ष कौन होते वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया जाता है तो अगले कौन वसुमित्र अध्यक्ष अश्वघोष उपाध्यक्ष बनते हैं तो ये अध्यक्षता की है तो पहली की महाकश्यव दूसरे की साव कामी तीसरे की मोगल पुत्र तिश्य और चौथे की अध्यक्षता वसुमित्र अश्वघोष के वसुमित्र अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अश्वघोष के द्वारा की जाती चौथे के वसुमित्र कौन कौन से इसमें कौन रहे शासन यानी जब ये बहुत संगीतिक आयोजन हुआ उस समय राजा कौन थे तो यहां आप पहले आएगा तो आजातु आशे अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु ना हो अजातु शत्रु से कहा जाता तो ये कौन हरिय वंश का कौन अजातु सत्र के द्वारा तभी वो धस्ता कर पाएगा तो पहली अद, अजातु सत्र दूसरा शोक और काला शोक का अशोक निकाल लीजिए तो ये अशोक हो जाएगा तो अजातु सत्र ये हरिय वंश से संबंधित था काला शोक में शिशुनाग वंश का ये काला शोक किस वंश से था तो ये काला शोक कालाशोक से सुनाग वंश इसके बाद अशोक ये, ये जानते ही है फिर कनिष्क और कनिष्क किस वंश से था यानी कुषाण वंश से था तो ये चारों का ये शासक भी ध्यान रखिएगा पहला कौन हो गया अजास दूसरे में कालाशोक कालाशोक से अशोक और फिर चौथी बहुत संगीति कनिष्क के शासन काल में होती है अब इसी के बाद फिर आगे हम सीधे चलते हैं कुछ बेसिक फैक्ट जानते हैं जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई इसमें सुत्त पिटक सुत्त पिटक और किसकी विनय पिटक तो पहले में दो ग्रंथ रचे गए एक कौन एक है सुत्त पिटक और सुत्त पिटक से यहाँ सुत्त से उठा लीजिए शिक्षा तो पहले में क्या शिक्षक से शिक्षा से संबंधित है और दूसरे में कौन पहले जो ये बौद्ध संगीति हुई इसमें दूसरा जो ये ग्रंथ रचा गया इसको विनय पिटक कहा जाता विनय से यहाँ विनय से नियम उठा लीजिए तो ये नियम का नियम कानून से संबंधित जो पिटक था वो विनय पिटक था शिक्षा से संबंधित जो पिटक था वो कौन सुत्त पिटक था इसके बाद तीन पिटक हैं तो लास्ट जो पिटक बचता है इसको क्या कहा जाता अभी धम्म पिटक अभी धम्म पिटक इसको क्या कहा जाता है अभिधम पिटक और अभिधम पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है बौद्ध धर्म के दर्शन से है तो बौद्ध धर्म के दर्शन से पूछा जाए कौन पिटक संबंधित है अभिधम पिटक अब इसमें हीनयान महायान का नाम सुना होगा तो जो लास्ट वाली चौथी बौद्ध संगीति जो कहाँ हुई थी कनिष्क के दर कनिष्क के शासनकाल में हुई थी तो इसमें जो चौथी बौद्ध संगीति हुई इसमें हीनयान व महायान के रूप में बौद्ध धर्म क्या हो जाता है विभाजित हो जाता तो ये हीनयान और महायान में अंतर क्या हीनयान जो थे वो गौतम बुद्ध को एक केवल महापुरुष मानते थे जबकि महायान के जो समर्थक थे वो गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में देखते थे और उसकी देवता के रूप में मूर्ति मान के पूजा ये सब उपासना करना चाहते थे इसी बिंदुओं को लेकर के और कई भी बिंदु के विवाद थे उसको हम डिटेल में आ... दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आज के लिए ये आपका कौन हो गया ये बहुत संगीति हो गया तो ये यहीं तक अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत